नीट 2016 में पावर का एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आया था। आइए देखते इसको सॉल्व करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिस वेयर आई के एंड जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी। कितना पावर डेवलप होगा। देखो यार, आई के और जे के देखते ही ये तो तय हो जाता है कि हमें वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। पावर का वेक्टर फॉर्म में होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो मेरे को फोर्स वेक्टर तो दिया हुआ है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। डॉट करना है मेरे को वेलोसिटी से। यार ये वेलोसिटी कैसे निकालूं, क्योंकि यार फोर्स की इंफॉर्मेशन से मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स में मास को डिवाइड कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और मैं जानता हूं कि जब एक्सेलरेशन को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरे को वेलोसिटी मिलती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालता हूँ, वो होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। इसमें मास को डिवाइड कर दो जो कितना है 1 kg। तो सिंपली यही आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। एंड वेलोसिटी बराबर होता है इंटीग्रेशन adt, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगिन टू मूव मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो मैंने सिंपली वेलोसिटी को इंटीग्रेशन adt लिख दिया। लिमिट्स मेरे को जीरो से t लगानी होगी, जिसमें एक जीरो है तो मुझे जो t के टर्म्स में आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो सिंपली यार मैंने क्या किया, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप एंड dt, और इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो देखो 2 तो 2 ही रहेगा, और t का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है t स्क्वायर बाई 2। t तो 3 रहेगा, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा t क्यूब अपॉन 3। साथ में डायरेक्शन जरूर लगा देना। ये हो गया आपका t स्क्वायर आई कैप एंड t क्यूब जे कैप। अब ये जो वेलोसिटी है ये ना यार वेक्टर फॉर्म में, इसको उठा के यहाँ रख दो और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दो। ये लो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करना हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करते समय कि जो आई कैप के जो कॉफिशियंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो जे कैप के कॉफिशियंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको सॉल्व करना शुरू किया। आई कैप के कॉफिशियंट्स को मल्टीप्लाई किया तो 2t को जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2t क्यूब आया। 3t स्क्वायर को टी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3t की पावर 5 आया। और अब हम ढूंढने लगे हमारे ऑप्शन में, और हमको ऑप्शन मिला पहला। ओके, तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो खास बात सामने नजर आई हमको है ना, वो क्या आई कि एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए पावर का। पावर कितना होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है। एफ वेक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर ये थोड़ा सा हल्की सी प्लानिंग करनी है कि यार फोर्स से पहले एक्सेलरेशन निकालना और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है। इस सीक्वेंस में चलते हुए हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल के डॉट प्रोडक्ट करके पावर निकाल लिया।